हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MJClack07 में। तो दोस्तों ये देखो, पिटोनिया के पौधे के पास में इसको लगाया मैंने। इसके अंदर ऐसे फूल आते हैं ना दोस्तों, तितली वाले। इसको अभी अभी शिफ्ट करा है मैंने। आप मेरी वीडियो देखोगे पिछली तो आपको पता लग जाएगा कैसे और किस तरीके से शिफ्ट करा है। इसमें छेद भी करना ज़रूरी है। अभी इसमें छेद नहीं करे हैं मैंने, छेद करूँगा कल। और देखो वाटरिंग कर दिए, नीचे तक आ गई है वाटरिंग, पूरे प्लांट में पानी आ गया है, ताकि ये अच्छे से कल तक अपना शिफ्टिंग पकड़ ले, जड़ पकड़ ले पेड़। तो ये जो है आप पिटोनिया के प्लांट पौधे देख रहे हो, इसमें फूल भी कितने सुंदर आ रहे हैं। बाकी ये जो गेंदे के पौधे हैं देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि इनको भी शिफ्ट करूँगा कल। मट्टी बहुत है, मट्टी भी बची हुई है देखो, खाद भी है, तो सब शिफ्ट करना है कल। ये खाद अब कल दूंगा इन्हें, अभी शाम हो गई है तो इसे शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चूहे खा जाते हैं रात में आके, क्योंकि पन्नी उसकी ब्लैक कलर की है तो चूहे खा जाते हैं। देखो यहाँ भी छेद कर रखे हैं चूहों ने, ये भी मुझे शिफ्ट करना है किसी और में। ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो कितनी कलियाँ आ रही हैं, कितने सारे फूल आते हैं इसमें, और आप देख ही रहे हो कितने सारे आ ही रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वो पिछली वीडियो में बताएं मेरे को कि मैंने शिफ्टिंग सही तरीके से करी है या गलत है, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, गार्डन कैसा लग रहा है ये भी बताएं कमेंट करके। धन्यवाद MJClack07, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।